नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिकंदराबाद से लखनऊ आ रही एक बस की मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रॉली से भिड़ंत होने से 15 लोगों की दर्दनाक हुई मौत, करीब 40 लोग हुए घायल। एडीएम फाइनेंस ने कहा जनपद के 2 व्यक्ति हुए हैं घायल। सीएमओ को दिया गया है निर्देश कि दोनों घायलों के संपर्क में रहें, गोरखपुर पहुंचते ही उनको एम्बुलेंस द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कराए एडमिट। वनटांगिया की उम्मीदों के दीपक में भरोसे की बाती को प्रज्वलित करने 24 अक्टूबर को आएंगे सीएम योगी। 2009 से ही वनवासियों के बीच दीपावली मनाते हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिलसिला है जारी। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 43 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन नामावली के संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम के वर्तमान पार्षद एवं संभावित पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई। संपन्न ने कहा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने में करें सहयोग। बाजारों में धनतेरस पर खरीदारी करने वालों की खूब रही भीड़। एसपी सिटी ने कहा धनतेरस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सादे वस्त्रों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम। एवं धनवंतरी पर्व समारोह का गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ समापन। बीएचयू के प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी ने कहा मरीजों की चिकित्सा में कोई भेद नहीं करता है आयुर्वेद। आरोग्यता के देवता है धनवंतरी। व्याधि वेदना और मृत्यु के भय को दूर करना है आयुर्वेद का लक्ष्य। धनतेरस पर्व पर सोने व चांदी की दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। लोगों को सोने व चांदी की भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा खूब आ रहा है पसंद। आवश्यकता अनुसार लोग कर रहे हैं आभूषणों की खरीदारी। भारतीय जनता पार्टी महानगर के विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों की बैठक हुई संपन्न। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा गोरखपुर अयोध्या स्नातक चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक नए मतदाता बनाने का है लक्ष्य। दिवाली को देखते हुए भारत में बनी झालर लाइटों की जनपद में खूब हो रही है बिक्री। पानी वाला दिया लाइट बना लोगों में आकर्षण का केंद्र। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए बाजारों में खूब बिक रही है भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा। लोग जमकर कर रहे हैं मिट्टी वाले मूर्तियों की खरीदारी। और जनपद में दिवाली पर्व पर कचहरी क्लब मैदान सहित 400 स्थानों पर लगाई गई है अस्थायी पटाखों की दुकानें। पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी दुकानों के लाइसेंस और सुरक्षा मानक को किया गया चेक। पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने कहा छुरछुरी, अनार बम, रॉकेट, मुर्गा छाप, चकरी, चटाई बम, सुतली बम की खूब हो रही है बिक्री। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के रीवा में सिकंदराबाद से लखनऊ आ रही एक बस की ट्रॉली में भिड़ंत होने से एक हृदय विदारक दुर्घटना हो गई, जिससे बस के अंदर बैठे 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। इस घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दिया जाएगा, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद से लखनऊ के लिए आ रही बस रीवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु की सूचना मिली और कुछ घायलों की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि जनपद के 2 रघुवीर कुमार और सत्येंद्र प्रसाद घायल हुए हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। दोनों घायल व्यक्ति दूसरी बस से गोरखपुर के लिए आ रहे हैं और सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि उन दोनों घायलों के संपर्क में रहें और जैसे ही गोरखपुर पहुंचते हैं उनको एम्बुलेंस द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा
हाँ नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। एक बस आ रही थी सिकंदराबाद से लखनऊ के लिए, जो सुबह रीवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उनमें से कुछ लोगों के मृत्यु की सूचना है और कुछ घायलों की सूचना है। हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। हमारे जनपद के दो लोग हैं, एक रघुवीर और एक और उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं। दोनों लोगों के मोबाइल नंबर और उनके नाम इत्यादि हमारे पास हैं, हम उनसे संपर्क में हैं। वे लोग बस से गोरखपुर आ रहे हैं, एक दूसरी बस कर दी गई उससे गोरखपुर आ रहे हैं। सीएमओ साहब को डायरेक्ट किया गया है, वो भी उनके संपर्क में रहें और जैसे ही वो गोरखपुर पहुंचते हैं उनको एम्बुलेंस पे बैठा करके और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दें। वन टांगियों के जीवन में खुशहाली का प्रकाश लाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दीप पर्व की भांति इस बार भी उनकी उम्मीदों के दीपक में अपनत्व का तेल भर भरोसे की बाती प्रज्वलित करने आ रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार छठवीं दिवाली होगी, जब वह 100 साल तक उपेक्षा के अंधेरे में जीने की विवश वन टांगिया समुदाय के बीच पर्व की खुशियां बांटेंगे। हालांकि वन टांगियों की आस में उजास लाने का यह अखंड सिलसिला उन्होंने 13 साल पूर्व 2009 के दीप पर्व से ही प्रारंभ कर दिया था। 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री वनवासियों के साथ दीपावली मनाने के साथ जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। सीएम इस अवसर पर करीब 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 43 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वन टांगिया गाँव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का उल्लास छाया हुआ है। प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है तो गांव के लोग सीएम के स्वागत में अपने अपने घर द्वार की साफ सुथरा बनाने सजाने सवारने में, महिलाओं की टोलियां गवई स्वागत गीत के तराने छेड़ रही हैं। तैयारी ऐसी मानो घर का मुखिया त्योहार पर अपने घर लौट रहा हो। सब कुछ स्वतः स्फूर्त, ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इन वन टांगिया समुदाय के लिए योगी आदित्यनाथ तारनहार का नाम और पहचान है। इनकी 100 साल की गुमनामी और बदहाली को सशक्त पहचान और अधिकार दिलाने के साथ विकास संघ कदमताल कराने का श्रेय सीएम योगी के ही नाम है। योगी और वन टांगिया एक दूजे से अटूट नाता जोड़ चुके हैं। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में हर साल दीपावली मनाने वाले मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस गांव समेत गोरखपुर महाराजगंज के 23 गांव और प्रदेश के सभी वनवासी बस्तियों में विकास और हक हुकूक का अखंड दीप जल रहा है। वास्तव में कुसमेही जंगल स्थित वनटांगिया गाँव जंगल तिकोनिया नंबर 3 एक ऐसा गाँव है जहाँ दीपोत्सव पर हर दीप योगी बाबा के नाम से ही जलता है। साल दर साल यह परंपरा ऐसी मजबूत हो गई है कि 60 साल के बुजुर्ग भी बच्चों से जिद वाली बोली बोलते हैं, बाबा नहीं आएंगे तो दिया नहीं जलाएंगे। सिर्फ जंगल तिकोनिया नंबर 3 की ही बात करें तो यहाँ रहने वाले सभी 461 परिवार पात्रता के मुताबिक जमीनों का मालिकाना हक पाने के साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से संतृप्त हैं। इस गांव में योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित गोरखनाथ हिंदू विद्यापीठ और कंपोजिट विद्यालय शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं। गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र भी क्रियाशील है। 18 परिवार पात्र गृहस्थी और 437 परिवार अंत्योदय कार्ड से खाद्यान्न योजना का लाभ उठा रहे हैं। सभी 437 अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड भी बन चुके हैं। 439 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिल गए हैं और सभी घरों में शौचालय की सुविधा है। गांव में एक सामुदायिक शौचालय भी है। विद्युतीकरण योजना में संतृप्त इस गांव में सभी के पास सरकार से मिला बिजली कनेक्शन है। 400 परिवारों को उज्ज्वला योजना से मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिल चुका है, जबकि 455 जॉब कार्ड धारक मनरेगा से रोजगार पाते हैं। 226 लक्ष्य के सापेक्ष 216 को जमीनों का पट्टा मिल गया है। शेष 10 का पट्टा भी प्रक्रिया में है।
चंगल तिकोनिया नंबर 3 में 71 को वृद्धावस्था पेंशन, 29 को विधवा पेंशन, 17 को दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो 8 बच्चियां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अक्षादित हैं। युवक मंगल दल व महिला मंगल दल से जुड़कर युवक युवतियां अपने कौशल का निखार रही हैं। गांव सड़क बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त है। इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबन की राह पर चलने की भी मुकम्मल व्यवस्था है। NRLM के तहत यहां गठित 20 महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 252 महिलाएं आत्मनिर्भरता की इबारत लिख रही हैं। गांव में कई दुकानों का संचालन महिला समूहों की तरफ से किया जा रहा है। इन समूहों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग हेतु बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC सखी की भी नियुक्ति सरकार की तरफ से की गई है। 24 अक्टूबर को वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में दीप पर्व मनाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले की कई ग्राम पंचायतों को 80 करोड़ रुपए का दिवाली गिफ्ट भी देंगे। मुख्यमंत्री 34.55 करोड़ रुपए की लागत से 95 ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों तथा 2.48 करोड़ रुपए की लागत से 62 ग्राम पंचायतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कार्य का शिलान्यास करेंगे। ये कार्य पंचायत राज विभाग की तरफ से कराए जाएंगे। इसके साथ ही वह 24 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट से कराए गए करीब 21.10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की तरफ से पूर्वांचल विकास निधि के तहत कराए गए 1.33 करोड़ रुपए तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराए गए 20.46 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी जनता को समर्पित करेंगे। अंग्रेजी शासनकाल में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थी तो बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई। इसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने साखू के पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों मजदूरों को जंगल में बसाया। साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की टांगिया विधि का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वन में रहकर यह कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए। कुसमही जंगल के 5 इलाकों जंगल तिकोनिया नंबर 3, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आमबाग नर्सरी व चिल बिलवा में इनकी 5 बस्तियां वर्ष 1918 में बसी। 1947 में देश भले आज़ाद हुआ लेकिन वनटांगिया का जीवन गुलामी काल जैसा ही बना रहा। जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास ना तो खेती के लिए जमीन थी और ना ही झोपड़ी के अलावा कोई निर्माण करने की इजाज़त। पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचने और मजदूरी के अलावा जीवन यापन का कोई अन्य साधन भी नहीं, और तो और इनके पास ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं था जिसके आधार पर वह सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने नागरिक होने का दावा कर पाते। समय समय पर वन विभाग की तरफ से वनों से बेदखली की कार्यवाही का भय। साखू के पेड़ों से जंगल संतृप्त हो गया तो वन विभाग ने 80 के दशक में वनटांगियों को जंगल से बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर दी। इसी सिलसिले में वन विभाग की टीम 6 जुलाई 1985 को जंगल तिकोनिया नंबर 3 में पहुंची। ना कहीं घर ना जमीन, आखिर वनटांगिया लोग जाते कहां? उन्होंने जंगल से निकलने को मना कर दिया, जिस पर वन विभाग की तरफ से फायरिंग कर दी गई। इस घटना में परदेशी और पांचू नाम के वनटांगियों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 28 लोग घायल हो गए। इसके बाद ही वन विभाग सख्ती करता रहा। यह सख्ती तब शिथिल हुई जब सांसद बनने के बाद 1998 से योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों की सुध ली। वर्ष 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर के सांसद बने। उनके संज्ञान में यह बात आई कि वनटांगिया बस्तियों में नक्सली अपनी गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश में है। नक्सली गतिविधियों पर लगाम के लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इन बस्तियों तक पहुंचाने की ठानी। इस काम में लगाया गया उनके नेतृत्व वाली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं MP कृषक इंटर कॉलेज व MPPG कॉलेज जंगल दूषण और गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित गुरु श्री गोरखनाथ अस्पताल की मोबाइल मेडिकल सेवा को। जंगल तिकोनिया नंबर 3 वनटांगिया गांव में 2003 से शुरू ये प्रयास 2007 तक आते आते मूर्त रूप लेने लगे। इस गांव के राम गणेश कहते हैं कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ को वनटांगिया समुदाय के लोग इसी संबोधन से बुलाते हैं।
हम लोगों के लिए उस राम की भूमिका में आए जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था। वनटांगिया लोगों के बीच शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के खास सहयोगी MPPG कॉलेज जंगल दूषण के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव बताते हैं कि वन्य ग्रामों के लोगों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के दौरान 2009 में योगी जी को मुकदमा तक झेलना पड़ा। वनटांगिया बच्चों के लिए एस्बेस्टस सीट डाल एक अस्थायी स्कूल का निर्माण योगी जी के निर्देश पर उनके कार्यकर्ता कर रहे थे। इस पर वन विभाग ने इस कार्य को अवैध बताकर FIR दर्ज कर दी। योगी ने अपने तर्कों से विभाग को निरुत्तर किया और अस्थायी स्कूल बन सका। वनटांगियों को सामान्य नागरिक जैसा हक दिलाने की लड़ाई शुरू करने वाले योगी ने वर्ष 2009 से वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की तो पहली बार इस समुदाय को जंगल से इतर भी जीवन के रंगों का एहसास हुआ। फिर तो यह सिलसिला बन पड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी इस परंपरा का निर्वाह करना नहीं भूलते हैं। इस दौरान बच्चों को मिठाई, कॉपी किताब और आतिशबाजी का उपहार देकर पढ़ने को प्रेरित करते हैं तो सभी बस्ती वालों को तमाम सौगात। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने महज 5 दिवाली में वनटांगिया समुदाय की 100 साल की कसक मिटा दी है। लोकसभा में वनटांगिया अधिकारों के लिए लड़कर 2010 में अपने स्थान पर बने रहने का अधिकार पत्र दिलाने वाले योगी ने सीएम बनने के बाद अपने कार्यकाल के पहले ही साल वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया। राजस्व ग्राम घोषित होते ही ये वन ग्राम हर उस सुविधा के हकदार हो गए जो सामान्य नागरिकों को मिलती है। अपने कार्यकाल में उन्होंने वनटांगिया गाँव को आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और RO वाटर मशीन जैसी सुविधाओं से आच्छादित कर दिया है। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन नामावली के संबंध में ADM फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन हॉल में वर्तमान पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान पार्षद और जो पार्षद प्रत्याशियों के साथ निर्वाचन नामावली पर बैठक की गई है। अगर किसी को नामावली को लेकर शिकायत है और सुझाव है तो उसको सुझाव के माध्यम से मतदाता सूची को संबंधित कार्यालय में आकर पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत और सुझाव दे सकता है। उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे अपील है कि एक पेज पर 100 लोगों का नाम रहेगा और एक मतदाता पर 1 पैसा खर्च करना होगा। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, होगा 18 नवंबर को, तब हो सकता है निशुल्क प्रतियों का आदेश आ जाए। एक मतदाता सूची अभी हम लोगों ने दी, 1/31 को आ जाएगी। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते, मेरा मतलब उनसे पुरजोर अपील है, एक पेज पे 100 लोगों का नाम है, एक मतदाता पर 1 पैसा खर्च करना है आपको, ठीक है? तो आप 2-3 सेट 31 तारीख को, 1 तारीख को जब भी वो ड्राफ्ट आ जाएगा, आप 2-3 सेट जरूर परचेज कर लीजिएगा। वो हमारी ड्राफ्ट होगी, 2 सेट मिनिमम ले लीजिएगा और अभी वाली फिर नष्ट कर दीजिएगा, नहीं तो मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा। अभी जो हम ड्राफ्ट प्रकाशित करेंगे उनका बूथ का क्रमांक भी बदल जाएगा। अभी हमारे बूथ 802 है, बूथों की संख्या बढ़ेगी। अभी हमें मान के चल रहे हैं कि 5 वर्षों में लगभग 8-10% मतदाता बढ़ेंगे और लगभग 4% मतदाता घटेंगे। डिलीशन पर मेरा केवल यही अनुरोध है कि सामान्य तौर पे ये निर्देशित रहता है कि चुनावी वर्ष में न्यूनतम डिलीशन हो, ठीक है? तो डिलीशन पर आप केवल उनका जोड़ दें जिनकी मृत्यु के बारे में आपको एकदम स्पष्ट हो जाए, या ये हो जाए कि जिस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है, अगर वो मतदाता सूची में है उसका नाम आसानी से डिलीट हो जाएगा और वो वोट देने भी नहीं आएगा। हमारे लाख अपील और लाख प्रयास के बाद भी हमारी जो मतदाता सूची है उसमें बोगस वोटर्स की संख्या काफी रहती है। उनको लगता है कि हम लोग मना कर रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमें इस बात का लगातार डर है कि हमारी मतदाता सूची
सूचनाबंधित मतदाता आता है वोट डालने के लिए, अनावश्यक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा, लोग घेरेंगे कि साहब आप बस से आ रहे, इसका मतलब कि आप यहाँ के नहीं है। देश यही है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दिसंबर क्रॉस कर जाए। एक मोटा मोटा आपको जो लोग भी है कि 18 नवंबर को जो मतदाता सूची हमारा अंतिम प्रकाशन होगा उसी के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, एकदम उसी के आसपास आ जाएगा, या तो 15 लोग। मेरा अनुमान ये है कि एक वार्ड में 10 से 15 लोग नामांकन करेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मोटा मोटा 10 से 15 लोग नामांकन करेंगे। तो सब में ऐसा करेंगे कि 5 पकौड़ा एक साइड में लगा देंगे, 5 एक साइड में लगा देंगे और 6 आपके स्टैंड में लगा देंगे, कहीं ना कहीं बाहर कार्यालय बना लें, ठीक है, जहां पे भी आप लोग बना सकें। पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यालय में कर सकती है, लोगों को फॉर्म भरना सिखाएं, 5,000, 2,000, 3,000 होगा आपका एक सिक्योरिटी का होगा, दूसरा आपको यहाँ का पता होना होगा, दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अपने पार्षद जी को ऐसे उल्टा सीधा बता कर नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और डिप्टी डीओ हूं, जो अभी नगर निगम का निर्वाचन होगा, जो नगर पंचायतों का निर्वाचन होगा। तो आज अभी हमने नगर निगम सभागार में जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनकी बैठक आहूत की थी निर्वाचक नामावली पर, कि अगर किसी का कोई ग्रीवांस है, किसी की कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो यथासंभव उसका हम सल्यूशन दें और मतदाता सूची को शुचिता के उच्चतम बिंदु तक ले जाएं। परिसर को लेकर काफ़ी दिक्कत है जी? परिसर नहीं, दिक्कतें ज़्यादा नहीं हैं, लोगों को मतदाता सूची देखना होगा और जैसा वो लोग हम लोग उसको बताया जाएगा वैसा उसको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। जनपद में धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ खूब रही, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में धनतेरस व दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, सभी दुकानों पर काफी भीड़ भाड़ रहेगी, भारी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए RAF, PSC व पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में पुलिस लगी है, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कहीं पर भी कोई घटना न हो। इसके अलावा QRT टीम भ्रमणशील रहकर बाजारों की निगरानी करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, दीपावली का त्यौहार एवं उससे जुड़े हुए जितने भी पर्व हैं, धनतेरस का पर्व भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज मार्केट्स में चहल पहल बनी रहेगी एवं
बड़ी तादाद में लोग जो हैं धनतेरस के दिन शुभ अवसर पर खरीदारी करने आएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जनपद गोरखपुर में एवं पर्टिकुलरली गोरखपुर सिटी में RAF, PAC एवं उसके साथ साथ जनपद की पुलिस एवं ऑफिसेज के तमाम स्टाफ हैं, सभी लोगों को वहाँ डिप्लॉय किया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिस लगी है एवं हम इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार की कोई अनटॉवर्ड घटना ना हो। सभी बिल्कुल हर जगह पे QRT के साथ साथ विभिन्न प्रकार की RAF, PAC वगैरह सभी लोग मौजूद। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता के देवता हैं और आरोग्य का मूल है सम्यक तरीके से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति। आयुर्वेद मूलतः आरोग्यता की धारणा को व्यवहारिक रूप से जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आयुर्वेद मरीजों की चिकित्सा करते समय कोई भी भेद नहीं करता है। यह बातें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में रस शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी ने कही। वह शनिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार के गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आयुर्वेद कॉलेज में 7वें आयुर्वेद पर्व एवं धन्वंतरी जयंती साप्ताहिक समारोह के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर आयुर्वेद सबके लिए है। व्याधि, वेदना और मृत्यु के भय को दूर करना आयुर्वेद का लक्ष्य है। कोरोना जैसे वैश्विक संकट काल में पूरे विश्व को आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकार करना पड़ा। यह आयुर्वेद की ताकत है कि इसने अपने मूल देश समेत समूची दुनिया को कोरोना त्रासदी से उबारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पूरी तरह हानि रहित चिकित्सा पद्धति है और एक बार फिर अपने प्राचीन गौरव की तरफ तेजी से उन्मुख है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा जगत की तमाम तरक्की के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा आज के दौर की बड़ी चुनौती है। इसका पूर्ण समाधान आयुर्वेद और योग को अपनी जीवन शैली में अपनाकर किया जा सकता है। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि धन्वंतरी जयंती मनाने का यह अभूतपूर्व अवसर है, जब विश्वविद्यालय स्थित आयुर्वेद फार्मेसी का शुभारंभ 75 किलोग्राम च्यवनप्राश की निर्मिति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि यह आयुर्वेद फार्मेसी विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती औषधियों का निर्माण कर एक आदर्श स्थापित करेगी। इस फार्मेसी में प्रशिक्षित विद्यार्थी देश की प्रतिष्ठित आयुर्वेद औषधि कंपनियों में रोजगार प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद एवं धन्वंतरी पर्व के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि आयुर्वेद प्राचीनतम एवं शाश्वत विज्ञान है। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। हमारा मानना है कि सभी चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक और सहयोगी हैं। डॉक्टर वाजपेयी ने छात्रों को आयुर्वेद का सार समाज के सामने लाने तथा अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वागत संबोधन गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर DS अजीता ने किया। समारोह के दौरान आयुर्वेद पर आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभा शंकर मल, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, विश्वविद्यालय में मेडिकल कोर्सेज के डीन डॉक्टर सुनील सिंह, दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर GP सिंह, डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर विनय सिंह, डॉक्टर AP मल, डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर धर्मपाल भट्ट आदि की सहभागिता रही। धन्वंतरी व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति साक्षी सिंह, दीक्षा मम्पी, प्रिंस गुप्ता, शानवी राय व निधि ने तथा वंदे मातरम की प्रस्तुति आशमा खातून, ईश्वर, प्रेरणा व स्वाति ने की। मंच संचालन आशीष चौधरी व सांभवी शुक्ला ने किया। आयुर्वेद एवं धन्वंतरी पर्व के अंतर्गत शनिवार को धन्वंतरी जयंती पर गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में विधि विधान से धन्वंतरी पूजन यज्ञ किया गया। पूजन व यज्ञ का कार्यक्रम गुरु गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी ने सम्पन्न कराया। पूजन में कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, आचार्य साध्वी नंदन पांडे, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी व सभी विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इसी क्रम में विश्वविद्यालय परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय में वृहद स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान 412 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा का लाभ मिला। आयोजन में डॉक्टर पूजा तिवारी, डॉक्टर आदित्य नारायण
उपाध्याय, डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा, डॉक्टर अर्चित मिश्रा, डॉक्टर हरिवंश सिंह, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर जी के मिश्रा, प्रबंधक आयुर्वेद कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ व विद्यार्थियों का सहयोग रहा। जनपद में धनतेरस पर्व पर लोगों ने सोने व चांदी की जमकर खरीदारी की, जिसके संबंध में एस्प्रा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अतुल सर्राफ ने बताया कि धनतेरस व दीपावली शुद्धता का त्यौहार है, इसको शुद्धता के साथ मनाएं। शुद्धता हर घर में होनी चाहिए और दिल में भी शुद्धता होनी चाहिए, जिसको देखते हुए एस्प्रा ज्वेलर्स द्वारा लोगों को BIS हॉलमार्क का आभूषण दिया जा रहा है और डायमंड सर्टिफाइड है, लोगों को 100% गारंटी देते हैं। लोगों में ज्वेलरी की खरीद को लेकर काफी लोग 15 दिनों से खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के दिन ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि इस धनतेरस पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों की सभी आवश्यकता पूरी हो। चांदी की चौकी है जो कि विशेष रूप से बनाया गया है, जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। भगवान लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति भी खूब बिक रही है। इसके अलावा डायमंड में स्पेशल कलेक्शन को लोगों ने खूब सराहा है, जिसकी विशेषता है कि कम बजट में भी लोग इसकी खरीदारी कर सकते हैं। जो ज्वेलरी 4 लाख से ज्यादा की देखने में लगती है वह 2 लाख में होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परंपरा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर संजय अग्रवाल एवं एस्प्रा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अतुल सर्राफ ने कहा, इसमें आपका बन चुकी है 33,000 हासिल हो जाएगा, 33,000 रुपए 30,000 का होते हैं। हमको थोड़ा मतलब टैक्स लगा और थोड़ा अपने सरकार बोले तो इंटरव्यू में वो सस्ता मेकिंग चार्ज है, महीने अब कह रहा था महीना बदल जाने कौन सा बात। कार्बन लगा देना, इस पर एक शब्द जाएगा। हाँ सर, कार्बन लगा देंगे। ठीक, अब अगली बार लग रहा है उससे इससे ज्यादा खड़ा हुआ लग रहा है। तो कौन सा ट्रेन है? 159 की है। ये नहीं मालूम, इन दोनों को कंपेयर वो अच्छा है, मैं दोनों की तुलना करूं। हाँ ना, वो ठीक लगता है। Yeah.
सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धनतेरस का इस पर्व पे सबके घर सुख समृद्धि रहे, लक्ष्मी जी का वास हो, सबके घर में धन में बढ़ोतरी हो। पिछले 2-3 साल से कोविड का समय चल ही रहा था, आप लोग जानते ही हैं, और ये धनतेरस कोविड के बाद सही रूप से पहले रूप से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मनाई जा रही है। और इस धनतेरस में लोगों ने सुबह से ही उत्साहित हैं, लोग लगातार सुबह से ही हम लोग के दुकानों में भीड़ चल रही है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। और जैसा कि धनतेरस पे आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खरीदारी सिक्कों की होती है, तो हमारे यहाँ शुद्ध रूप से शुद्ध सोने के चांदी के सिक्के उपलब्ध हैं, जो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम और 100 ग्राम के डिनोमिनेशन में उपलब्ध हैं। साथ में सोने की ज्वेलरी में भी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है कि लाइट वेटेड और हैवी लुक, यानी कि उसका वजन कम है और देखने में भारी ज्वेलरी है, इस तरह की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग पहले 40-50 ग्राम में नेकलेस खरीदते थे या इस तरह के हार खरीदते थे, वो जो 15-20 ग्राम 25 ग्राम में मिल जा रहा है, जो 3-4 लाख रुपए की ज्वेलरी देखने में लगता है, पहनने के बाद 3-4 लाख रुपए की कम से कम होगी, और जो कि 1-1.5 लाख रुपए की होती है। तो इस तरह की ज्वेलरी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और कुंदन और शहर के, विशेष तौर से शहर के लोग कुंदन और पोलकी की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस समय एक नया ट्रेंड फैशन में आया है जो चांदी की ज्वेलरी का, तो लोग चांदी की ज्वेलरी भी बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं। उनका वजन कम होता है, पैसे कम होते हैं, और देखने में उनमें एक से एक ऐसे डिज़ाइन बनने लग गए हैं जो पहले असंभव थे। तो चांदी की ज्वेलरी भी लोग भरपूर खरीद रहे हैं, और सोने की ज्वेलरी, कुंदन की ज्वेलरी, इनकी तो निश्चित डिमांड बहुत ज़्यादा ही है। और मुझे लगता है कि पिछले 5-10 वर्षों का रिकॉर्ड इस धनतेरस में तोड़ा जाएगा और सबकी सेल बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा सेल होगी। धन्यवाद आपको। सबसे पहले ऐशपा परिवार की ओर से सबको धनतेरस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस दिवाली शुभता का त्यौहार है, शुद्धता का त्यौहार है, इसको शुद्धता के साथ मनाएं। शुद्धता हर जगह होनी चाहिए, आपके घर में, समाज में, देश में, यहाँ तक कि दिलों में भी शुद्धता होनी चाहिए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऐशपा प्रतिबद्ध है शुद्ध आभूषण देने के लिए। हमारे यहाँ के सभी आभूषण BIS हॉलमार्क्ड हैं, डायमंड सर्टिफाइड हैं, और हम सबके 100% बायबैक गारंटी देते हैं, वो भी पक्की रसीद के साथ, लिखित गारंटी के साथ। धनतेरस दिवाली की तैयारी हम लोगों ने पूरी कर रखी है और लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। लोग इसको 15 दिनों से शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करके किनारे रख रहे थे कि धनतेरस के दिन ले जाएंगे, और काफ़ी उत्साह है लोगों में। धनतेरस दिवाली पर हम लोगों ने आपकी बात प्रयास किया कि हर ग्राहक की आवश्यकताएँ पूरी हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी हो। तो सारी तैयारी है, चांदी की चौकी हम लोग के यहाँ लोगों ने विशेष सा रहा, 92.5% प्योरिटी की भगवान की प्रतिमाएं गणेश लक्ष्मी जी की। इसके अलावा डायमंड में मिरेकल सेटिंग, मिरेकल कलेक्शन, इसको लोगों ने बहुत सराहा है। इसकी विशेषता यह है कि ये कम बजट में सर्टिफाइड डायमंड हॉलमार्क गोल्ड के साथ में भी एक काफ़ी बजट सेगमेंट में आ जाती है। जो डायमंड ज्वेलरी, जो डायमंड नेकलेस देखने में 3-4 लाख रुपए का देखने में दिखता है, उसकी वास्तविकता कीमत 2 लाख के आसपास होती है। तो ये मिरेकल सेटिंग के लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लकी ड्रॉ 21 तारीख तक था, अब की बार इस सीज़न में हम लोगों ने बम्पर ड्रॉ निकाला जिसमें 7 मरीनों हैं,
हमारी 7 शाखाओं पे 7 बलिनों, ये 21 तारीख तक की स्कीम थी और अब इसका ड्रॉ हम लोग 5-6 तारीख के आसपास किसी भी सेलिब्रिटी से, किसी विशेष अधिकारी से बात करके समय लेके उनके समय के अनुसार 5-6 तारीख के आसपास इसका ड्रॉ निकालेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिकंदराबाद से लखनऊ आ रही एक बस की मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रॉली से भिड़ंत होने से 15 लोगों की दर्दनाक हुई मौत, करीब 40 लोग हुए घायल। एडीएम फाइनेंस ने कहा जनपद के 2 व्यक्ति हुए हैं घायल। सीएमओ को दिया गया है निर्देश कि दोनों घायलों के संपर्क में रहें। गोरखपुर पहुंचते ही उनको एम्बुलेंस द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कराए एडमिट। वनटांगिया की उम्मीदों के दीपक में भरोसे की बाती को प्रज्वलित करने 24 अक्टूबर को आएंगे सीएम योगी। 2009 से ही वनवासियों के बीच दीपावली मनाते हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिलसिला है जारी। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 43 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन नामावली के संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम के वर्तमान पार्षद एवं संभावित पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई। संपन्न ने कहा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने में करें सहयोग। बाजारों में धनतेरस पर खरीदारी करने वालों की खूब रही भीड़। एसपी सिटी ने कहा धनतेरस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सादे वस्त्रों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम। आयुर्वेद एवं धनवंतरी पर्व समारोह का गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ समापन। बीएचयू के प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी ने कहा मरीजों की चिकित्सा में कोई भेद नहीं करता है आयुर्वेद। आरोग्यता के देवता है धनवंतरी। व्याधि वेदना और मृत्यु के भय को दूर करना है आयुर्वेद का लक्ष्य। धनतेरस पर्व पर सोने व चांदी की दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। लोगों को सोने व चांदी की भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा खूब आ रहा है पसंद। आवश्यकता अनुसार लोग कर रहे हैं आभूषणों की खरीदारी। भारतीय जनता पार्टी महानगर के विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों की बैठक हुई संपन्न। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा गोरखपुर अयोध्या स्नातक चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक नए मतदाता बनाने का है लक्ष्य। दिवाली को देखते हुए भारत में बनी झालर लाइटों की जनपद में खूब हो रही है बिक्री। पानी वाला दिया लाइट बना लोगों में आकर्षण का केंद्र। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए बाजारों में खूब बिक रही है भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा। लोग जमकर कर रहे हैं मिट्टी वाले मूर्तियों की खरीदारी। और जनपद में दिवाली पर्व पर कचहरी क्लब मैदान सहित 400 स्थानों पर लगाई गई है अस्थायी पटाखों की दुकानें। पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी दुकानों के लाइसेंस और सुरक्षा मानक को किया गया चेक। पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने कहा छुरछुरी, अनार बम, रॉकेट, मुर्गा छाप, चक्री, चटाई बम, सुतली बम की खूब हो रही है बिक्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महानगर के विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठ की बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पर गोरखपुर अयोध्या स्नातक चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव में नए मतदाता बनाने के संदर्भ में बैठक की गई, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बताया गया कि अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ें व सर्वाधिक वोटर बनाएं और समाज का कोई भी वर्ग हमसे अछूता न हो। लोग हमसे जुड़े अधिकांश घरों में स्नातक मतदाता हैं, उनसे संपर्क कर इनका स्नातक फॉर्म भरवा कर नए मतदाता जोड़ें। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है उसे कार्यकर्ता पूरा करेंगे एवं 3 दिन विशेष अभियान चलाकर हजारों की संख्या में नए मतदाता कार्यकर्ता जोड़ें। इस अवसर पर विनय सिंह, जेआरएफ
डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे, जितेंद्र गौड़, अमिताभ त्रिपाठी, अटल एडवोकेट गणेश जायसवाल, संजय गौड़, विष्णु जायसवाल, अजय सिंह, अजय गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट जितेंद्र चौधरी, जीतू किशन कुमार, अजय सिंह, संजू, संदीप पांडे, भास्कर शुक्ला एडवोकेट, गंधर्व पाठक, राहुल घोष, अवनीश मणि त्रिपाठी, संजय सिंह, श्यामू, विनोद दुबे, समीर श्रीवास्तव, आशीष गुप्ता, सोनू, संदीप त्रिपाठी, प्राण तिवारी, गृजेश राज त्रिपाठी, विपुल त्रिपाठी, जितेंद्र बहादुर चंद, अनुभव वाजपेयी, ज्ञानेंद्र सिंह, निखिल मोटानी, नीलेश पांडे, शिव कुमार शर्मा, मनीष कांत ओझा, राजा त्रिपाठी, भोला अग्रहरी, विनय कुमार, नितिन जायसवाल, मंडल अध्यक्ष संत सुकृत्य, अमित सिंह, सूर्यवंशी, विनय राय, कार्यालय प्रभारी शिवम पांडे, अजय सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, गोरखपुर महानगर के एक मंडल गीता नगर के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र गौड़ जी का भी आज की बैठक में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के संयोजक किसान मोर्चा के महानगर के महामंत्री समरेंदु सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के वरिष्ठ नेता विनय सिंह, हमारे विभाग एवं प्रकोष्ठों के संयोजक सह संयोजक आप सभी का आज धनतेरस के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं आप सभी को निश्चित ही आज की जो बैठक है स्नातक चुनाव की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बैठक है। हम सभी इधर लगातार प्रयास कर रहे हैं स्नातक चुनाव के दृष्टि से चुनाव को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय डॉक्टर साहब का इस महानगर कार्यालय पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जब पूरा घर की सफाई से लेकर के साफ सफाई से लेकर के घर में बहुत सारे चीज़ों को खरीदना लाना एक व्यस्तता भरा दिन रहता है और शहर के इस बीचों बीच में जहाँ हम सब देवीगंज में बैठक में आए हैं चारों तरफ से कई प्रकार के चार पहिया वाहन और वन वे ट्रैफिक प्रोहिबिटेड भी किया गया। ऐसे समय में भी आप लोग एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नए मतदाता बनाने के विषय को लेकर के यहाँ पर इकट्ठे आए हैं। मैं आप सबका धनतेरस के पवित्र पावन अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। कोई भाषण का के विषय को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी के अनेक अभियान कार्यक्रम को लेकर के नहीं, केवल एक सिंगल एजेंडे पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने हैं। इसी में हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। दोनों दृष्टि से एक साथ काम चल रहे हैं। हम सब अपने अपने वार्डों में भी अपने अपने नगर निकायों में भी नए मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हर बार नए मतदाता यानी जो पिछली बार बना होगा वो सब मतदाता समाप्त हो जाते हैं, फिर से नए मतदाता बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की का विजय अभियान जब 2014 से प्रारंभ हुआ और तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक समृद्धशाली शक्तिशाली कैडर के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है और इसलिए हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब ये धीरे धीरे ताकत बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर किसी भी चुनाव को लड़ सकती है और किसी भी चुनाव में विजय हासिल कर सकती है। हर जगह अपने मोर्चों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, अपने भारतीय जनता पार्टी का जो मेन बॉडी का स्ट्रक्चर है पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र, उत्तर प्रदेश में 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के भी चुनाव होने हैं। आज उसी संदर्भ में गोरखपुर महानगर की ये बैठक थी। गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी नए मतदाताओं को बनाने की दृष्टि से ये हमारे गोरखपुर क्षेत्र में जो निवास करने वाले विभाग और प्रकोष्ठ हैं उनके कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ सम्पन्न हुई है
उन सब से हम लोगों ने नए मतदाता बनाने और स्थानीय निकाय चुनाव में नगर निगम के वार्डों में भी जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने और बोगस मतदाताओं को कटवाने की दृष्टि से इन सब विचार विमर्श हुआ है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए भारत में बनी झालर लाइटों की खूब बिक्री हो रही है, जिसके संबंध में झालर लाइट बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि इस वर्ष दिवाली पर लोगों में काफी उत्साह है। लोग भारत में बनी झालर लाइटों को खरीदारी कर रहे हैं। कुछ चाइना आइटम मार्केट में आया है। इस बार मार्केट में एक नया लाइट आया है जो कि पानी से दिया जलता है और बिक्री भी खूब हो रही है। पिछले बार कोविड की वजह से बिक्री कम हो रही थी, लेकिन इस बार बिक्री काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि झालर भी कुछ नया है, लोग अपने जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा 10 मीटर की इंडियन झालर व 15 मीटर गुजराती झालर बिक रहा है जो कि 6 रंगों में उपलब्ध है। गुजराती जो लाइट है उसकी लाइट तेज है। सभी लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झालर लाइट बेचने वाले दुकानदारों ने कहा, यूजुअली जैसी चल रही वही चल रही है। जैसे वो चाइना लाइट और इंडियन लाइट, इस प्रेजेंट टाइम में इंडियन लाइट की ज़्यादा डिमांड है। और एक नई लाइट जो आई है वो पानी से जो दिया एक जलता है वो आया हुआ है। बिक्री ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा अंतर आया है। इस बार की बिक्री मतलब पिछले साल से ज़्यादा है। अभिषेक मिश्रा, अविनाश इलेक्ट्रिकल्स फर्म है मेरी। सर, मैं काफ़ी लाइटों की डिमांड है, किस तरह की लाइटें आपको लाएँ, क्या लोग? मेरे पास भैया कई तरह की डिज़ाइन में शैंडलियर्स हैं आपके, वुडन में हैं और चाइनीज़ है, इंडियन है। इंडियन की ज़्यादा डिमांड है इस बार और हर बार ही इंडियन की ही डिमांड रहती है। यही सब हैं, झालर वगैरह हैं कई मॉडल के, पानी वाले दिए हैं, इन्हीं सब चीज़ की डिमांड आपकी बार ही ज़्यादा है। क्या कुछ नया आया इस बार? इस बार दिवाली में सर झालर कई तरह के नए नए आए हुए हैं। थ्री हैंगिंग में है, शैंडलियर्स में है, वाटरफॉल में है और इंडियन झालर में है। सब कई तरह के नए नए झालर आ रखे हैं इस समय। बिक्री को लेकर क्या स्थिति है पिछले साल से और इस साल की? बिक्री को सर लेकर के कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है और जैसा पहले था उससे बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब है। पंकज कुमार जायसवाल, प्रोप्राइटर। इस समय जो है लाइटों का इंडियन सबको अट्रैक्टिव कर रहा है। इंडियन में दो तरह का माल है, गुजराती है और 10 मीटर इंडियन है और 15 मीटर गुजराती है और सब कलर के 6 रंग में उपलब्ध है। और फेस्टिवल में हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और बेच रहे हैं अच्छी
और इंडियन पे फोकस इस बार बहुत ज़्यादा है। हाँ, चाइना इस बार गुजराती में लाइट आई है जिसकी लाइट 8 mm की है और बहुत तेज़ लाइट है उसकी और वो फोकस लाइट में है और मल्टी कलर में 50 मीटर 70 मीटर 40 मीटर 30 मीटर ये सब लाइटें हैं। अपनी बिक्री को लेके बहुत बढ़िया है, रिस्पांस अच्छा है, लेकिन थोड़ा इंटीरियर में बाढ़ वगैरह की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, कस्टमर कम है, लेकिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं लोग। जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए धूमधाम से भगवान लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति बिक रही है, जिसके संबंध में मूर्ति बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि इस बार मार्केट में काफी भीड़ भाड़ है। लोग पूजा के लिए भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर ले जा रहे हैं। यह मूर्ति मिट्टी का बना है जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसके अलावा कुछ मूर्तियां गुजरात से भी आ रही है जो लोगों को पसंद आ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मूर्ति बेचने वाले दुकानदारों ने कहा, खरीदारी मंदी चल रही है अभी तो, आज पहला दिन है जी, धनतेरस भी है, आज रात तो चलेगी दुकानदारी। तो मूर्तियाँ किस चीज़ से बने, साथ लाते हैं? एक कलकत्ते की मूर्ति है, मिट्टी के बना हुआ है। क्या लग रहा है नहीं, स्थिति तो रात की चलती है, मैं अभी तो सुबह है, रात की चलेगी। सुदेश कुमार गुप्ता कलकत्ते की। कहाँ से आई हैं? कलकत्ते से लाए हैं। क्या स्थिति है बिक्री? अभी तो मार्केट बहुत सन्नाटा है, आज तो अभी पहला दिन है। पहला दिन है, धनतेरस दिन अच्छी दुकानदारी होती है, लेकिन अभी सन्नाटा है, सप्ताह शाम तक ग्राहक आए। हर साल दुकान लगाते हैं? हाँ, हर साल दुकान लगाते हैं। रिंकू प्रजापति दुकान लगाए। हाँ, स्थिति ठीक है, ये है कि पहले से डिमांड भी बढ़ गया है और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी सर, सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आप लोग आए हैं? यहाँ से पादरी बाजार। हर साल लगाते हैं दुकान? हाँ, हर साल ये लगभग हम लोग हो गया 15-20 साल ये दुकान लगाते हैं। जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए कचहरी क्लब मैदान सहित 400 स्थानों पर अस्थायी पटाखों की दुकान लगाई गई। इस दौरान लोग जमकर पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड महामारी की वजह से सभी त्योहार फीके पड़ गए थे, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य है, जिससे लोग बाजारों में निकलकर पटाखों सहित अन्य वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी दुकानों के लाइसेंस को चेक किया गया तथा पटाखा व्यवसाय के सुरक्षा मानक को जांचा गया और लोगों को हिदायत दी गई कि वह अपने दुकान के सामने पानी से भरी बाल्टी, बालू व अग्निशमन यंत्र को रखें, जिससे कि आग लगने पर उससे निपटा जा सके।
जिसके संबंध में पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि इस बार मार्केट में छुरछुरी, अनार बम, राकेट, मुर्गा छाप, चकरी, चटाई बम, सुतली बम खूब बिक रहा है, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है और छोटे बच्चे अधिकतर छुरछुरी को खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिक्री हो रही है और ग्राहक आ रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि इस बार की दिवाली सबकी अच्छी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने कहा, ये डब्बा आपका 700 रुपए है, ₹150 का है, वो 150 रुपए की है डब्बा। हाँ वो 150 की, अनार 250 का है। तुम बोल रहे हो? क्या नाम वो लिखते हैं भैया? इसको आप पढ़ लीजिए और जो भी नियम है, इसको आप इंस्ट्रक्शन जो भी दिए उसको फॉलो करिए। अभी आपने हमें लग रहा है बाल्टी भी पानी का नहीं रखा। नहीं क्या सर, क्या है बाल रहे हैं? कितना पटाखा तीन सेट होना चाहिए, आप ये ठीक है क्या पड़ा 20 क्या नाम है आपका? ले आओ चाहते हैं ना, ले आओ जाना है। फोटो कॉपी नहीं रखते हो? क्या नाम है आपका? तुम सारे मत आ भाई, इसकी एक फोटो कॉपी करा के हमको दीजिए। मोबाइल नंबर बताइए अपना। कम से कम इस पे आपको 3 सेट डालना चाहिए। निशान नहीं, पर्दा आप लगा लिए हो। पर्दा लगाने पे आगजनी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। थोड़ा सा भी पकड़ेगा तो पूरा जल जाएगा। कम से कम जो आपको लाइसेंस मिला है उसको एक बार पढ़िए तो सही। सारे आदेश निर्देश उसमें मिला है। फोटोकॉपी करा लेते हैं ना, फोटोकॉपी करा कर लेकर आइए। या फिर उसको फोटोकॉपी करा ले, फोटोकॉपी मंगा लीजिए। अनार बम ये है, अनार ये है, 380 का गौरव कुमार गुप्ता, फुटकर पटाखा व्यवसायी, टाउन हॉल गोरखपुर। नहीं कुछ अलग नहीं है, सब पुराना ही आइटम है। ये रेट जो है डेढ़ा हो गया है। बाकी आप जान ही रहे हैं दुकान लगाने पे कितने खर्चे होते हैं। टेंट हैं, आदमियों का खर्चा है, आपके इस ग्राउंड का 4500 रुपये बस लिया जाता है। और आप साफ सफाई पे देख लीजिए, कुछ नहीं है। हम लोग साफ ना कराएं तो कस्टमर खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। बिक्री क्या स्थिति है? बिक्री तो अभी आज दोपहर से सबका दुकान लगा है, धीमे धीमे शुरू हुआ है। अब आगे कल परसों में देखा जाए क्या स्थिति है। कस्टमर हाँ आ रहे हैं। अब चूँकि आने वाले 2 दिन में बंद ही रहेगा, तो जो घर जाने वाले लोग हैं छुट्टी लेके अपना पटाखा लेके लोग अपना घर निकल रहे हैं। कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। बाकी जिन चीज़ों पे बैन लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप बंद है। और जब मैन्युफैक्चरिंग बंद है तो हम लोगों के पास कुछ आना नहीं है। विवेक अग्रवाल, अग्रवाल फायरवर्क्स। इस बार दीपावली का त्यौहार बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद जो ये सीज़न आया है,
इस पे हर त्यौहार बहुत अच्छे से बीता है और उम्मीद है ऊपर वाले की कृपा से हमारा त्यौहार भी बहुत अच्छा बीतेगा। अभी तो रंगत नहीं है आज धनतेरस के दिन के बाद, लेकिन उम्मीद है शाम तक बहुत अच्छा मार्केट जाएगा हमारा। बिक्री क्या है इसके, कस्टमर आ रहे हैं? बिक्री तो है, सबको पता है शहर में बहुत पास इलाका है ये, और यहाँ कस्टमर आएंगे, निश्चित आएंगे और शाम को आएंगे। अभी तो भीड़ है, धूप भी है काफ़ी, इस वजह से कस्टमर नहीं है। नाम स्वतंत्र कुमार। हाँ, दीपावली में दुकान लगाई गई है, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है दुकान लगाने के लिए। क्या प्रोसेस होता है? जो कि हमें कचहरी से लेना पड़ता है, सिटी मजिस्ट्रेट के परमिशन से मिलता है, उसके बाद अपना थाना और फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी सहयोग करते हैं इसमें, उनके सहयोग से सब कुछ मिल जाता है, दिक्कत नहीं होती है। कस्टमर आ रहे हैं, बीच में कोरोना काल था। हाँ, अगले साल तो दिक्कत बहुत हुआ था, पर इस बार ठीक है, अभी कस्टमर तो आ रहे हैं। बिक्री क्या है? बिक्री ठीक चल रहा है, अभी तो आज तो कमी है फिलहाल, कल परसों बिक्री देखा जाएगा। हमारा नाम पप्पू है। लगाए हैं पटाखे पर कोई रिस्पांस नहीं है मार्केट में, जैसे कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देख रहे सन्नाटा मार्केट में बना हुआ है, और हम भी लोग अब दुकान लगा के परेशान हैं, माल सब पड़े हुए हैं और कस्टमर नहीं है। क्या हो जाए, कोई दिक्कत है? और बाकी दुकानों का तो कस्टमर हैं, थोड़े गेट के प्रॉब्लम आ गए हैं, कुछ गेट बंद हैं, इसलिए आना जाना थोड़ा गमन जो है कम हो गया है, इसलिए इधर आदमी नहीं आ जा पा रहे हैं, कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं एकदम। क्या कुछ खास आया इस पटाखे आज बार? कुछ नहीं है सर, दो साल की बंदी के बाद जी इस बार कुछ खास पटाखे में? नहीं, कोई खास तो आया नहीं है, हाँ निराशा साथ आया है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिकंदराबाद से लखनऊ आ रही एक बस की मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रॉली से भिड़ंत होने से 15 लोगों की दर्दनाक हुई मौत, करीब 40 लोग हुए घायल। एडीएम फाइनेंस ने कहा जनपद के दो व्यक्ति हुए हैं घायल। सीएमओ को दिया गया है निर्देश कि दोनों घायलों के संपर्क में रहें। गोरखपुर पहुंचते ही उनको एम्बुलेंस द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कराए एडमिट। वनटांगिया की उम्मीदों के दीपक में भरोसे की बाती को प्रज्वलित करने 24 अक्टूबर को आएंगे सीएम योगी। 2009 से ही वनवासियों के बीच दीपावली मनाते हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिलसिला है जारी। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 43 करोड़ रुपए के कार्यो का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन नामावली के संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम के वर्तमान पार्षद एवं संभावित पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई। संपन्न ने कहा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने में करे सहयोग। बाजारों में धनतेरस पर खरीदारी करने वालों की खूब रही भीड़। एसपी सिटी ने कहा धनतेरस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सादे वस्त्रों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम। आयुर्वेद एवं धन्वंतरी पर्व समारोह का गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ समापन। बीएचयू के प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी ने कहा मरीजों की चिकित्सा में कोई भेद नहीं करता है आयुर्वेद। आरोग्यता के देवता है धन्वंतरी, व्याधि वेदना और मृत्यु के भय को दूर करना है आयुर्वेद का लक्ष्य। धनतेरस पर्व पर सोने व चांदी की दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। लोगों को सोने व चांदी की भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा खूब आ रहा है पसंद। आवश्यकता अनुसार लोग कर रहे हैं आभूषणों की खरीदारी। भारतीय जनता पार्टी महानगर के विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों की बैठक हुई संपन्न। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा गोरखपुर अयोध्या स्नातक चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक नए मतदाता बनाने का है लक्ष्य। दिवाली को देखते हुए भारत में बनी झालर लाइटों की जनपद में खूब हो रही है बिक्री। पानी वाला दिया लाइट बना लोगों में आकर्षण का केंद्र, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए बाजारों में खूब बिक रही है भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा, लोग जमकर कर रहे हैं मिट्टी वाले मूर्तियों की खरीदारी।
जनपद में दिवाली पर्व पर कचहरी क्लब मैदान सहित 400 स्थानों पर लगाई गई है अस्थायी पटाखों की दुकानें। पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी दुकानों के लाइसेंस और सुरक्षा मानक को किया गया चेक। पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने कहा, छुरछुरी, अनार बम, रॉकेट, मुर्गा छाप, चक्री, चटाई बम, सुतली बम की खूब हो रही है बिक्री। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।